हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एस एम आई आई पे। और इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ भी लेके आते हैं और आपको नए नए स्टॉक्स पे रिकमेंडेशन भी देते रहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के स्टॉक के ऊपर। ये हमारे देश की ऑटो सेक्टर की लार्ज कैप कंपनी निकल कर आ रही है। इसके नए टारगेट निकल कर आ रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल इस स्टॉक पे बहुत ही ब्यूलिश दिख रहे हैं। इस न्यूज़ को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और इस कंपनी के फाइनेंशियल भी हम जानेंगे। आप अंत तक हमारे वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। सो आइए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। सबसे पहले इसकी जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल जो कि हमारे देश की बहुत ही बड़ी ब्रोकरेज फर्म है, दिस हैज गिवन ए बाई कॉल ऑन द टाटा मोटर्स विद ए टारगेट प्राइस ऑफ ₹400 एंड द टाइम पीरियड गिवन बाई द एनालिस्ट इज 1 ईयर वैन दिस स्टॉक एंड रीच द डिफाइंड टारगेट। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस कंपनी के फंडामेंटल जान लेते हैं। दिस कंपनी वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1945 एंड दिस इज ए लार्ज कैप कंपनी विद मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹97,551 करोड़ नियरली एंड दिस कंपनी इज वर्किंग इन द ऑटो सेक्टर। और आगे बढ़ते हैं, अब हम सबसे पहले इस कंपनी का फाइनेंशियल जान लेते हैं। फॉर द क्वार्टर एंड ऑन द 30/6/2021 द कंपनीज कंसोलिडेटेड टोटल इनकम हैज़ बीन रिपोर्टेड एज ₹66,988 करोड़ एंड इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाई नियरली 25% फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर टोटल इनकम ऑफ ₹89,319 करोड़। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे इस कंपनी की कंसोलिडेटेड इनकम जो है वो रिड्यूस हो रही है, 25% के हिसाब से रिड्यूस हो रही है। बट द टोटल इनकम हैज़ बीन इंक्रीज बाई नियरली 105% फ्रॉम द लास्ट ईयर सेम क्वार्टर टोटल इनकम ऑफ ₹32,589 करोड़। बट यहाँ पे हम यदि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टरली इनकम की ग्रोथ देखें तो बहुत ही बड़ी ग्रोथ निकल कर आ रही है, डबल से भी ज़्यादा ग्रोथ निकल कर आ रही है। बट द कंपनीज नेट प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स हैज़ बीन रिपोर्टेड एज -4,320 करोड़ इन द लेटेस्ट क्वार्टर। तो आइए अब हम इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट रैशनल जान लेते हैं। वाइल स्टॉपनिंग ऑफ द हेडविंड्स टीटी टाटा मोटर्स वुड सी द ट्रिपल बेनिफिट्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट इज मैक्रो रिकवरी। तो ये जो कंपनी है मैक्रो लेवल पे रिकवरी शो कर रही है। सेकेंडली द कंपनी स्पेसिफिक वॉल्यूम मार्जिन ड्राइवर्स, और इस कंपनी के वॉल्यूम भी इंप्रूव हो रहे हैं और मार्जिन भी इंप्रूवमेंट शो कर रहे हैं। एंड देर इज ऑल्सो शार्प इंप्रूवमेंट इन द FCF एंड लीवरेज इन द JLR एंड इंडिया बिजनेस। तो इस कंपनी की जो लीवरेज है वो भी बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट शो कर रही है। तो इस इंप्रूवमेंट का इस कंपनी के बिजनेस को डायरेक्टली जो है वो बेनिफिट मिलेगा और कंपनी जो है अच्छी ग्रोथ शो करेगी। अब हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले इसकी जो प्राइस की परफॉर्मेंस है वो जान लेते हैं। पहले एक दिन की प्राइस देख लेते हैं। तो एक दिन में इस स्टॉक में 0.73% की डाउन ट्रेंड देखा गया है और ये जो स्टॉक है 291 पे क्लोज हुआ है। अब हम इसकी पास्ट 5 डे की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो पास्ट 5 डे में इस स्टॉक में 5.27% की करेक्शन जो है वो देखी जा रही है। पहले ये जो स्टॉक था वो 300 लेवल को के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद इस स्टॉक में कंटिन्यूस जो है वो डाउन ट्रेंड देखा गया है और इसमें जो है वो करेक्शन भी देखी गई है। यदि हम इसका लोअर सपोर्ट लेवल ढूंढें तो वो 290 के अराउंड निकल कर आ रहा है। अब हम इसका पास्ट 1 मंथ की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो लास्ट 1 मंथ में इस स्टॉक में 15.11% की जो करेक्शन है वो हो चुकी है। तो आप देख सकते हो बहुत ही बड़ी करेक्शन इस स्टॉक में लास्ट 1 मंथ में देखी गई है। आगे हम इसकी 6 मंथ की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न्स निकल कर आ रहे हैं, 9.07% की जो है पॉजिटिव रैली देखी जा रही है और बहुत ही बढ़िया इस स्टॉक में रैली देखी जा रही है। पहले इस स्टॉक में अप ट्रेंड देखा गया था, स्लोली एंड स्टेडली ये ऊपर को मूव कर रहा था, लेकिन अब इस ये जो स्टॉक है ये करेक्शन के मूड में चल रहा है। अब ये देखना होगा कि ये लोअर सपोर्ट किस लेवल पर लगाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसकी पास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो लास्ट 1 ईयर में इस स्टॉक में 173% के बहुत ही बढ़िया मल्टीबैगर रिटर्न जो है वो निकल कर आ रहे हैं। पहले इस स्टॉक में अच्छा अप ट्रेंड भी हुआ था, लेकिन अब ये जो स्टॉक है बहुत ही रेंज बाउंड काम कर रहा है और कंसोलिडेशन शो कर रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे और इस कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ देख लेते हैं। पहले रेवेन्यू का डाटा देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जून 2020 से लेके जून 2021 का डाटा अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जून 2020 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था दैट वाज 31,983 करोड़। सितंबर 2020 में ये बढ़ के आप देख सकते हो 53,530 करोड़ हो गया है।
दिसंबर 20 में ये फिर बढ़ गया है, 75,653 करोड़ हो गया है। मार्च 21 में इस कंपनी का रेवेन्यू फिर बढ़ के 88,627 करोड़ हो गया है, लेकिन जून 20 में यहाँ पे फिर डाउन ट्रेंड देखने को मिला है और इस कंपनी का रेवेन्यू जो है वो रिड्यूस होकर 66,406 करोड़ रह गया है। दिस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द अगेन सेकेंड वेव ऑफ द कोविड पेंडेमिक। तो रीजनल लॉकडाउन हुए थे और आपने देखा है डिफरेंट कंट्रीज़ में भी लॉकडाउन हुआ था, यूरोप में भी कोविड की सेकेंड वेव आई थी, इंडिया में भी आई थी, तो उसका इम्पैक्ट इस कंपनी के बिजनेस पे देखा जा रहा है। अब हम इस कंपनी की लॉन्ग टर्म की ग्रोथ हिस्ट्री देखेंगे, तो लॉन्ग टर्म की ग्रोथ हिस्ट्री जो है वो कंसिस्टेंट डाटा निकल कर आ रहा है, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड भी निकल कर आ रहा है, आइए देख लेते हैं। तो 2017 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था दैट वाज 2,69,992 करोड़, एंड यहाँ पे 18 में थोड़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, 19 में फिर ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिली और इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ के 3 लाख से करोड़ से भी बढ़ गया है। लेकिन उसके बाद इस कंपनी में कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड भी देखा जा रहा है और इस कंपनी का जो रेवेन्यू है 2021 में रिड्यूस होके 2,49,794 करोड़ रह गया है। लेकिन यदि हम इस कंपनी को 5 ईयर का डाटा कंपेयर करें तो आप देख सकते हो यदि 2017 के साथ इस कंपनी का रेवेन्यू कंपेयर करें फॉर द ईयर 2021, तो ये नियरली फ्लैट ही निकल कर आ रहा है, मार्जिनल जो है वो रिडक्शन निकल कर आ रही है। ओवरऑल इसकी जो ग्रोथ पैटर्न है वो पॉजिटिव निकल कर आ रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे लास्ट 1 ईयर पे इस कंपनी की अच्छी ग्रोथ हो रही है। और अब हम आगे बढ़ेंगे और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। जो प्रमोटर्स हैं दे आर होल्डिंग 46.41% ऑफ स्टेक, FIIs का जो स्टेक है 14.28% है, DIIs जो है वो 11.63% स्टेक है, और जो पब्लिक है उसके पास 27.69% का स्टेक है। बहुत ही मिक्स शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल कर आ रहा है। अब हम इसका ट्रेंड जान लेते हैं, पहले प्रमोटर्स का ट्रेंड देख लेते हैं जून 20 से लेके जून 21 का। तो डाटा देखें तो यहाँ पे प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 42.39% एंड 46.41%। तो यदि हम इसका प्रमोटर प्लेजेस एज द प्रमोटर्स शेयर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो रिड्यूस हो रहा है। इन जून 20 द प्लेज शेयर वाज 3.95% और जून 21 में इसके जो प्लेज शेयर हैं वो 1.82% रह गए हैं। यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिल रही है, इसके कंपनी के जो प्लेज शेयर हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, ये पॉजिटिव साइन है। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो रही है और इसके जो प्लेज शेयर हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जो FIIs है उनका डाटा देख लेंगे, यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है और जो FIIs हैं उनका जो स्टेक है 15.62% से रिड्यूस होकर 14.28% रह गया है। यदि हम DIIs का डाटा देखें तो यहाँ पे भी रिडक्शन देखने को मिल रही है, जून 21 में DIIs वर होल्डिंग 13.39% ऑफ स्टेक एंड जून 21 में ये 11.63% रह गया है। यदि हम पब्लिक का डाटा देखें तो यहाँ पे भी मार्जिनल डिक्रीज देखने को मिल रहा है नियरली 1%। तो पब्लिक के पास जून 21 में 28.61% स्टेक था और जून 21 में ये रिड्यूस होकर 27.69% रह गया है। तो इन द एंड हम देख सकते हैं इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत ही मिक्स निकल कर आ रहा है और इस कंपनी के जो प्लेज शेयर हैं वो भी रिड्यूस हो रहे हैं। तो एंड में हम ये देख सकते हैं लास्ट 1 ईयर में इस स्टॉक में बहुत ही ब्यूलिश ट्रेंड निकल कर आ रहा है और इस कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो भी कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रही है और इस कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट है वो भी बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन अब ये जो स्टॉक है वो करेक्शन के मोड में चल रहा है, कंसोलिडेशन के मोड में चल रहा है, ये एक अच्छा मौका है क्योंकि टाटा मोटर्स एक लार्ज कैप कंपनी है, अच्छे ग्रुप की कंपनी है। अब ये बहुत ही फोकस्ड अप्रोच से काम कर रही है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है, नए नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रही है और इस कंपनी के जो मार्जिन है वो भी इम्प्रूव हो रहे हैं, इसलिए आपको इस स्टॉक को लोअर प्राइसेस पे जो है वो ऐड करने का एक मौका मिल गया है। आप इसको अच्छी क्वांटिटी इसकी ऐड कर सकते हो, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाई करते रहें, जैसे ही इसमें करेक्शन आती है तो आप इसको बाई करते रहें, एवरेज करके इन्वेस्टमेंट करते रहें, सिप के थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग रन में जाके आप बहुत ही बढ़िया रिटर्न जो है वो बना सकते हो। क्योंकि टाटा मोटर एक अच्छी कंपनी है, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर वेरी वेरी इनोवेटिव। अब ये जो कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेक्टर में भी बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लेने जा रही है, नए नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने जा रही है, इसका बेनिफिट भी इस कंपनी के बिजनेस को मिलेगा और आने वाले टाइम में इस कंपनी की जो बिजनेस है उसकी ग्रोथ बहुत ही पॉजिटिव होगी और इसके जो नंबर्स हैं दे विल आल्सो इम्प्रूव इन द कमिंग टाइम। सो एंड में हम आपका थैंक्स कहते हैं, आपने हमारे वीडियो को सुना, हमारे को टाइम दिया,
आप हमारे साथ जुड़िएगा, हम आपको कोई भी स्टॉक में एनालिसिस करके फिर ही रिकमेंडेशन देते हैं। क्योंकि यदि किसी कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, यदि किसी कंपनी के टेक्निकल ब्यूलिश निकल कर आ रहे हैं, तो ही आप उसमें इन्वेस्ट करें। अदरवाइज़ क्या होगा, आप लॉस में भी जा सकते हो। क्योंकि स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहती है। अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को पकड़ें, लॉन्ग रन के लिए पकड़ें और सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको लॉस के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। सो वी थैंक्स अगेन एंड वी विल मीट यू विद द न्यू वीडियो एंड न्यू इन्वेस्टमेंट आइडिया।